Hey, what's up guys? वीडियो एडिटिंग के इस भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काइन मास्टर को कैसे यूज करते हैं, इसमें जितने भी टूल्स हैं उन सभी को किस तरीके से यूज करते हैं, कहां पर हम ट्रांजिशन का यूज करेंगे, कहां पर हम एनिमेशन का यूज करेंगे, इन सभी बातों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों काइन मास्टर के बारे में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं कि अभी जो काइन मास्टर अपडेट होकर आया है उसमें इतने सारे फीचर्स आ गए हैं कि अगर आप कंप्यूटर में जो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें जो इफेक्ट्स होते हैं अगर आप उस इफेक्ट को यूज करना चाहते हैं तो इस काइन मास्टर के थ्रू कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो काइन मास्टर जो है बहुत ही ज्यादा अपडेट हो चुका है और बहुत ही ज्यादा इसमें फीचर्स हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं काइन मास्टर का फंडामेंटल ट्यूटोरियल। तो दोस्तों पहली बार जब आप काइन मास्टर को ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेटिंग से। तो यहाँ पर आपको सेटिंग दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है चेक करनी पड़ती है, यानी कि आपका जो डिवाइस है कितना ज़्यादा सपोर्टेबल है काइन मास्टर के लिए। अगर आपका डिवाइस जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा तो आपका काइन मास्टर बहुत ही ज़्यादा एडवांस काम करेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर भी सपोर्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब एनिमेशन टाइप भी उसमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्लिक करना होगा थर्ड नंबर में डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो लेयर में आपको लिखा हुआ है 2x1440 पिक्सल, यानी यहाँ पर दो लेयर सपोर्ट कर सकता है मेरे इस मोबाइल में, ठीक है। और दोस्तों जो मेरा जो मोबाइल है वो है 4GB RAM, 64GB इंटरनल और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है। तो बहुत सारे जो एडवांस मोबाइल जो अभी आ रहे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मतलब लेयर भी सपोर्ट कर सकता है, अभी फिलहाल के लिए मेरे में 2x1440 पिक्सल सपोर्ट करता है। तो जो डिवाइस कमज़ोर होते हैं जिनका प्रोसेसर बहुत ही कमज़ोर होता है उनमें लेयर एक लेयर सपोर्ट करेगा या फिर लेयर सपोर्ट नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने डिवाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम बैक चलते हैं। दोस्तों यहाँ जो आपको मैंने बता दिया सेटिंग्स में जाकर चेक करने के लिए सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये जो ऑप्शन है इसमें आपको काइन मास्टर में जितने भी एसेस्ट हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट हैं, जितने भी आपको लेयर मतलब जो है स्टिकर हो गया, ठीक है, टाइटल हो गया, और जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको टेक्स्ट म्यूजिक साउंड इफेक्ट सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे जरूरी बात है कि अगर आप चाहते हो कि काइन मास्टर में जो भी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं उनका यूज करना, तो यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हो जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है न्यू, तो ये जो है नया आया है अभी, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो है काइन मास्टर को बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। तो बैक चलते हैं। दोस्तों दो चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ से सेटिंग्स और एसेस्ट को डाउनलोड करने के लिए। अब दोस्तों आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, प्लस के निशान जो यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। अब चलते हैं हम एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पर तीन तरह के फॉर्मेट मिलते हैं आपको, एक है 16:9 रेशियो, 9:16 रेशियो और 1.1। ये तीनों बहुत ही अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा यूज करना है यूट्यूब पर 16:9 रेशियो का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों काइन मास्टर में वीडियो एडिटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा मीडिया पर। मीडिया पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल में जितने भी फोटो एंड वीडियो मिलेंगे वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फोल्डर के रूप में आप उसे ओपन कर सकते हो। और दोस्तों काइन मास्टर के थ्रू यहाँ पर तीन फोल्डर आपको पहले से डिफॉल्ट मिल जाएंगे, पहला है बैकग्राउंड, दूसरा है फेवरेट और तीसरा है क्लाउड स्टोरेज। तो बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे मतलब फोटो जो है पहले से आपको डिफॉल्ट मिल जाएंगे, इसका यूज कर सकते हो। दूसरा है फेवरेट। दोस्तों फेवरेट में क्या होता है कि अगर आप कोई फोटोज को बार बार यूज करना चाहते हो, जैसे कि लाइक का और ये एरो का, हैंड का, तो इसमें आपको फोटोज को मतलब फेवरेट कर सकते हो। देखो स्टार लगा हुआ है सभी में। दूसरा है क्लाउड स्टोरेज, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा गूगल ड्राइव से, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से हम बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड ही चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड हमने चूज कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमारा बैकग्राउंड आ चुका है ये इसे हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ऊपर में लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सेकेंड का, ये बैकग्राउंड जो है 4 सेकेंड का, इसे हम बड़ा करते हैं, इसे पकड़ के खींचना है, इसे हम 1 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड हमने 1 मिनट का कर लिया है। इसे ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं हम टाइमलाइन। यहाँ पर आप जो भी वीडियोज लेंगे, फोटो लेंगे, लेयर लेंगे, टेक्स्ट लेंगे, कुछ भी, तो सब आपको यहाँ के नीचे मतलब दिखाई देगा, और इसे यहाँ पे क्लिक करते हो जैसे ही तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा बैकग्राउंड आ चुका है, अब हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, सारे लेयर सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, फोटो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, अब लेयर पर क्लिक करना है। दोस्तों लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, पहला है मीडिया, दूसरा है इफेक्ट, तीसरा है ओवरले और चौथा है टेक्स्ट।
टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, हैंडराइटिंग में आप अपने हैंडराइटिंग से कुछ भी लिख सकते हो। ओवरले में कुछ ऑप्शन आएंगे आपको ओवरले करने के लिए, इफेक्ट में बहुत सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे। और मीडिया से हम शुरू करते हैं दोस्तों, जैसे कि व्हाट्सएप पर स्टेटस जो होता है जो बनाते हैं लोग वीडियो सॉन्ग डालकर, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वही ट्राई करूँगा, इससे आपको बेसिकली नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया में जाना है। तो मीडिया में जाने के बाद आपको पता है कि सारे वीडियो और फोटोज आपको मिल जाएंगे, तो मैं एक वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो है, यहाँ से इसे मैंने ले लिया और इसे आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो तीर का निशान है इस पर आपको क्लिक करके इसे आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और इसे आप घुमा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो एरो का निशान है टेढ़ा थोड़ा सा मुड़ा हुआ, तो इस पर आपको क्लिक करना है, इसे इस तरीके से आप मुड़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है मुड़ाने की, तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली इसे बड़ा कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो जैसे ही आप जैसे कि लेयर पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन आता है, तो इस लेयर के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर इसे बड़ा करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है और इस पर टच करना होगा। टच करने के बाद यहाँ पर फुल स्क्रीन का ये जो वाइट है ना, इस पर आपको क्लिक करना, तो फुल स्क्रीन मोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको जो साउंड का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके इसका साउंड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इसमें कोई साउंड नहीं बचा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लेयर लिया और जो वीडियो लेयर है, अब यहाँ पे एक सॉन्ग ले लेते हैं। सॉन्ग के लिए आपको साइड में एक बटन दिख रहा होगा ऑडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी ऑडियो हैं सभी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो फोल्डर बाय फोल्डर अगर आप चेक करते हो तो आपको अपने पसंद के वीडियो सॉरी ऑडियो मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक सॉन्ग उठा लेता हूँ, तो ये जो सॉन्ग है यहाँ पे आप इसे प्ले करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने के बाद इसे आप टाइमलाइन में सेट करना चाहते हैं तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस के आइकन पे मैंने क्लिक कर दिया है और टाइमलाइन में आ चुका है। मेरे पास तीन है, एक बैकग्राउंड है, दूसरा वीडियो, तीसरा ऑडियो। अब इस जो वीडियो है इसे आप कट भी कर सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे इस तरीके से। कट करने के लिए यहाँ पे कैची का निशान, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा इस पर जो फर्स्ट नंबर है उस पर आप क्लिक करते हो तो आगे वाला जो भाग है वो कटेगा। ठीक है, अगर आपको इसको फिर से अंडो करना है पहले जैसा, तो यहाँ पे आपको बटन देगा, इस पर क्लिक करना है। और बैक करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो फिलहाल के लिए मैं अंडो कर देता हूँ। अब आपको राइट साइड पे कट करना है, तो इस तरह से आप कट करोगे तो राइट साइड वाला हट चुका है। फिर से अंडो करते हैं और बीच से आपको तोड़ना है वीडियो को, तो यहाँ पे स्प्लिट करना होगा इस ऑप्शन पे क्लिक करके। तो ये जो वीडियो है दो भाग में टूट चुका है, देख सकते हो आप, ये जो एक वीडियो ये बन चुका है, एक वीडियो ये बन चुका है, ये दो भाग में टूट चुका है। फिर से अंडो करते हैं, अब वीडियो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको एक और है नीचे एक्सट्रैक्ट ऑडियो, अगर इसमें कोई ऑडियो है जिसे आप बाहर भी निकाल सकते हो MP3 के रूप में। ठीक है, तो इसमें कोई ऑडियो नहीं क्योंकि मैंने इसे पॉज कर दिया था, आपको दिखाया। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे म्यूट कर दिया, इसमें ऑडियो अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। इतना जो हो चुका है, अब यहाँ पे ऑडियो है, तो उसी तरह से जिस तरह से आपने वीडियो को कट किया उसी तरह से आप ऑडियो को भी कट कर सकते हैं। इसके नीचे में यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अब जो है स्टेटस तैयार कर लेते हैं। स्टेटस के लिए जैसे कि मैंने जो यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा स्टार्टिंग में, तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा वीडियो आ जाए, तो इसे आपको जोर से करके टाइमलाइन में स्टार्टिंग पे जैसे कि आप उठाया इसे इस तरह से कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कर दिया और सॉन्ग को भी इसी तरह से। अब दोस्तों जो है स्टार्टिंग में जो होता है ना कि थोड़ा सा फेड होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, तो सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद सबसे पहला जो आपको काम है वो ऑटो मास्टर वॉल्यूम है, इस पर आपको क्लिक कर देना। इसे क्या होगा, आपका जो मेन वॉल्यूम है वो रहेगा, एडजस्ट नहीं होगा। कभी कभी कान मास्टर में वॉल्यूम जो कम हो जाता है, इसीलिए आपको मेन जो है इस पर आपको आने के बाद इसे बंद कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है, वीडियो जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको फेड इन करना है। फेड इन का मतलब स्टार्टिंग में अंधेरा रहेगा, फेड इन किया 2 सेकंड के अंदर में आप बैक चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली अंधेरा आ चुका है, अब वीडियो हम प्ले करते हैं। देखा आपने, तो यहाँ पर जो है प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो स्टार्टिंग किस तरीके से हुआ है अंधेरा टाइप का, उसे बोलते हैं फेड। तो इसे आप लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई वीडियो पे जाना है और यहाँ पे फेड आउट है, आउट पे भी क्लिक करना है। आप इसे बढ़ा सकते हैं 2 सेकंड से 4 सेकंड जितना भी करना चाहते हैं, ऐसे 2 सेकंड ठीक है। आप चाहे तो ऑडियो को भी फेड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो लिखा हुआ है, ऑडियो को फेड करने के लिए ऑडियो फेड इन करना है और इसे मैं हाँ 0.5 सेकंड रखता हूँ। ठीक है, इससे ठीक रहेगा। फेड आउट यहाँ पे 4 सेकंड है, तो यहाँ पर सेकंड भी कर सकते हैं फेड। अब आवाज़ भी जो है थोड़ा देर से स्टार्टिंग होगा। देखा आपने, तो इस तरीके से हम इसे लेयर को सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों डायरेक्टली मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट, तो लेयर पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रोमांटिक।
ठीक है, रोमांटिक स्टेटस लिखा मैंने, अब ओके पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे उसके सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जैसे कि वीडियो लेयर पे क्लिक किया तो वीडियो लेयर के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे टाइमलाइन में आप देख लो टेक्स्ट वाला है ये पीला कलर का, तो इस पर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख गए। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ए डबल ए लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है, आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसे बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। और इसका कलर चेंज करना है तो वाइट वाले पे क्लिक करना है, और कलर चेंज कर सकते हो आप, जैसे कि ये मैं यहाँ पे कुछ और कलर ले लेता हूँ, बहुत कलर है, इसे आप बना भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का मैंने कलर लिया, और इस जो है आपका टेक्स्ट, इसको आप बहुत तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ग्लो कर सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, फुल बैकग्राउंड कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन, ये प्रीमियम है, तो मेरा यहाँ पे ओपन है, इसे ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ से अब ये जो रोमांटिक स्टेटस यहाँ पे आ रहा है, इसको आप किस तरीके से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो जो है हमारा फेड से स्टार्टिंग हो रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके से स्टार्टिंग हो रहा है फेड से, फिर यहाँ पे अचानक से ये रोमांटिक स्टेटस लिखा हुआ आ जाता है। तो इसमें अगर आप एनिमेशन डालना चाहते हो तो यहाँ पे तीन तरीके एनिमेशन है, इन एनिमेशन, ओवरले एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन, ठीक है। तो इन एनिमेशन का मतलब हुआ स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में क्लिक करना है, फेड, फेड का मतलब अंधेरा से स्टार्टिंग होगा, 5 सेकंड कर लेते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं लेकर के, तो इस तरीके से यहाँ पे फेड किया, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, पॉपअप, तो पॉपअप इस तरीके से आएगा, राइट स्लाइड तो राइट स्लाइड, लेफ्ट स्लाइड तो लेफ्ट स्लाइड, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, तो बहुत सारे इसमें हैं, तो स्लाइड राइट रखते हैं, ठीक है। और इसका थोड़ा सा जो है सेकंड बढ़ा देते हैं 15 सेकंड, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब दोस्तों प्ले करके देखते हैं, ठीक है, फाइनली मैंने इतना कर लिया, अब प्ले करके देखते हैं। गुड मॉर्निंग तो है मेरी, गुड नाइट भी तो, ये दुनिया रॉन्ग ले, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने किया, आप चाहे तो टेक्स्ट को फुल टेक्स्ट मतलब फुल वीडियो में सेट कर सकते हैं, जहाँ तक वीडियो है, तो वीडियो यहाँ तक है, मैंने यहाँ से कर लिया। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, अपना व्हाट्सएप का स्टेटस बना सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो कहाँ तक गया है, ऑडियो कहाँ तक। दोस्तों यहाँ पे देख लो आप, हमारा जो वीडियो है बहुत ही लंबा है, बट हमारा जो सॉन्ग है यहीं तक है, तो इसके बाद हमारा वीडियो जो है नहीं बजेगा, मतलब नहीं आवाज़ करेगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, बंद हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से कट कर देना है डायरेक्टली जो भी बचे हुए चीज़ें, वीडियो को भी मैं कट कर देता हूँ। और सबसे जरूरी बात कि बैकग्राउंड को आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बैकग्राउंड है उतना ही ज़्यादा वीडियो काम करेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते यहाँ पे बंद हो गया। अब एक बार मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो है स्टेटस बना है। गुड मॉर्निंग तो है मेरी, गुड नाइट भी तो, ये दुनिया रॉन्ग लगे मेरे लिए, राइट भी तो, देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से हम इस वीडियो को तैयार कर चुके हैं। अब इसे आपको जो है एक्सपोर्ट करना है, यानी इस वीडियो को सेव करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा, अगर आप इस वीडियो को फुल एचडी में करना चाहते हैं, 720 पिक्सल में करना चाहते हैं, एचडी में करना चाहते हैं, 360 में करना चाहते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रेम रेट है जो 30 रखना है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, 60 करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट है एक्सपोर्टिंग हो जाए, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, तैयार हो रहा है, और आपकी गैलरी में जाकर डायरेक्टली सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और इसे आप प्ले कर सकते हैं, ये आ चुका है, मतलब गैलरी में सेव हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है आपको, इससे यह होगा कि आपका जो वीडियो वो डायरेक्टली प्ले हो जाएगा। गुड मॉर्निंग तो है मेरी, गुड नाइट, ठीक है। अब दोस्तों बात रही कि अभी जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही सिंपल बताया एडिटिंग, दोस्तों ये जो काइन मास्टर है बहुत ही ज़्यादा धमाका है इसके अंदर में। आपको यहाँ पर ये जो इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट मिलते हैं, अगर आप इसको कट करते हैं तो ट्रांजिशन इफेक्ट में आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों का किस तरीके से यूज करना है, और कैसे हम मतलब अच्छे वीडियो एडिटर, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन सकते हैं मोबाइल के थ्रू,
तो दोस्तों हमारे साथ अब जुड़े रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नया धमाका यानी नए तरह की वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, जिससे आपको काइंड मास्टर की एक और स्टेप मतलब आप जान पाएंगे किस तरीके से वहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये तो था फंडामेंटल, अब एडवांस की ओर हम बढ़ेंगे। तो हर तरीके से मतलब हर मतलब सेपरेट के लिए, जैसे कि कोई पर्टिकुलर थिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे इफेक्ट है, उस इफेक्ट को किस तरीके से यूज करते हैं, तो मैं उसके लिए एक परफेक्टली वीडियो बनाकर तैयार करूंगा। आपको बस वो वीडियो दिखना है, धीरे धीरे आप परफेक्टली सीख जाएंगे, हर वो चीज़ आप जान जाएंगे। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।